नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, यू आर स्टेइंग एट होम एंड यू आर हैप्पी। अब लॉकडाउन देखिए ऑलमोस्ट 21 डेज होने को है और हमें ये सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन हो सकता है कि एक्सटेंड हो। अब हमारे लॉकडाउन की जो इनिशियल फेज था उसमें हमारी स्ट्रैटेजी टू कीप आवर मेंटल काम वाज टू बेसिकली टेक अ ब्रेक, रिलैक्स, relook life and try to get to know the people you have been distant from again. तो हमारी strategy overall थी थोड़ी सी relaxation की तरफ, थोड़ा सा to imagine that it is you know going to be a fine और धीरे धीरे like to take life slow. लेकिन अगर lockdown extend हो जाता है, now you should change your strategy. Now on a personal level, देखिए personal growth इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है because if you don't grow, you're static and eventually you start decaying. That's why it's always important to keep growing as much as you can. Personal growth हमारी किस तरीके से हो सकती है, हमारी फैमिली लाइफ को लेके हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी अपनी खुद की इंडिविजुअल ग्रोथ होनी चाहिए। अब इंडिविजुअल ग्रोथ वर्क रिलेटेड भी हो सकती है, लेकिन नॉन वर्क रिलेटेड भी हो सकती है, बिकॉज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर इंपॉर्टेंट टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। इससे सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है, कॉन्फिडेंस होता है और एक फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आती है। अगर आपको ज्ञान लेना है हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में या दुनिया में आज तक क्या हुआ है, आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी थी जो आप नहीं कर पाए, जैसे कि गाना, आपको पोएट्री लिखना या कोई ब्लॉग लिखना या कोई नॉवल लिखना या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी हॉबी जो घर पर बैठ के आप चाहते थे करना लेकिन आपको समय के कारण आप नहीं कर पाए, तो वो आपको करनी चाहिए, उससे आपका दिमाग खुलता है। अगर कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो आप बजाना चाहते थे नहीं बजा पाए तक, वो कीजिए, उससे आपका ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होते चले जाएगा। इस प्रकार की जितनी भी पर्सनल ग्रोथ की जो चीजें हैं वो आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको फायदा होगा। ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट अगर ऐसी कोई डिग्रीज है या ऑनलाइन क्लासेज या कोर्सेज थे जो आप करना चाहते थे जिससे आपका प्रोफेशनल आपका सीवी बेटर हो सकता है और ऑन अ प्रोफेशनल लेवल आप आगे जा सकते हैं, वो करना चाहते थे, तो आप डेफिनेटली आप गो फॉर इट। दिस इज द बेस्ट टाइम, आप बहुत जल्दी उस पर उसको ग्रास्प कर पाएंगे, आपका समय बहुत है, सारी असाइनमेंट्स आप फास्ट कर पाएंगे। इन सब चीज़ों से ना आपको ओवरऑल एक ऐसा लगेगा कि मैं कुछ आगे जिंदगी में कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड लास्टली सबसे जरूरी चीज़ है टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। ये एक ऐसा समय आया है जो शायद अगले 50 साल में कभी नहीं आएगा। ये समय बहुत हमारे लिए आवश्यक हो जाता है इस सेंस में कि हम एक बार ये डिसाइड करें कि हम हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज किस तरीके से हो सकती है, हम अपना लाइफस्टाइल किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ की ओवरऑल प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इससे ज्यादा बढ़िया टाइम आपको प्लानिंग के लिए नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफस्टाइल या प्लान्स में कुछ खामियां हैं या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अमेंड करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट राइट नाउ, बिकॉज अगर आप अभी नहीं ग्रो करेंगे, अभी आप टालते रहेंगे, यू जस्ट टेक इट इजी यू नो इन द नेक्स्ट लॉकडाउन फेज, आपको ये समय फिर से कभी नहीं मिलेगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट, रिमेंबर दैट। और लास्टली सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको अपनी मेंटल स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेंटल स्टेटस बिगड़ रहा है आपका या मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है, उसके कुछ लक्षण जैसे कि आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएं या आप बहुत ज्यादा लोगों पे गुस्सा करने लगे, आपको एकदम से घबराहट होने लगे, बहुत दुखी रहने लग जाए, अपने आप रोना आने लगे, इस तरीके के खुदकुशी जैसे ख्याल आने लगे, अगर ऐसा कुछ आपको लगता है या फिर आपकी प्रीवियसली ट्रीटेड साइकियाट्रिक प्रॉब्लम वापस आ रही है, इन दैट इवेंट डोंट हेजिटेट टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो कॉल, या फिर आप फिजिकली भी किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक में जाकर उनको विजिट कर सकते हैं। डू नॉट हेजिटेट टू टेक हेल्प अगर आपको लगता है कि एट एनी स्टेज यू आर अनएबल टू कोप अप विद इट एट होम। तो आज के लिए बस इतना ही।